दुनिया में एक ऐसे भारतीय राजा थे जो दुनिया में सबसे अमीर राजा माने जाते थे। जब भारत गुलाम था तब हैदराबाद के शासक निजाम थे। निजाम ने हैदराबाद की गद्दी 1911 से भारत आजाद होने तक संभाला था। आज भी उनके द्वारा जमा किया गया अरबों रुपया विदेशों के बैंक में जमा है। उस पैसे के लिए उनके वंशज अभी तक अपने हक के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। उनके पास कुल 230 अरब डॉलर की संपत्ति थी। आज के अमेरिका के कुल जीडीपी से लगभग दुगनी जीडीपी के बराबर का संपत्ति मौजूद था। कहा जाता है कि निजाम जितने अमीर थे उससे कहीं ज्यादा कंजूस भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी राजशाही पोशाक नहीं पहने थे। वो सिंपल सा कपड़े के साथ चप्पल में नजर आते थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति है। उनके कंजूसी के किस्से इतने मशहूर थे कि जब उनके यहाँ कोई मेहमान आते थे तब उनके द्वारा छोड़े गए सिगरेट के आखिरी हिस्से को भी निजाम जलाकर पी जाते थे। उनके रहने वाले घर में जहाँ तहाँ मकड़ी के जाल, गंदगी, कई साल पुराना सोफा, टूटा हुआ पलंग था। उनके घर की सफाई एक साल में उनके जन्मदिन पर होता था। उनके पास अपनी करेंसी के साथ साथ काफी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जैसे कई प्रकार के कीमती सामान था। कहा जाता है कि इस दुनिया में 7 ऐसे हीरे थे जिसकी कीमत सबसे ज्यादा था। उस 7 हीरे में से एक हीरा निजाम के पास था। उसे वो पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इतने अमीर होने के बाद भी वो कभी राजा के जैसा जिंदगी जीना पसंद नहीं किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता के हितों के लिए समर्पित कर दिया।